हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग हैचबैक्स, और उसमें भी उसका सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग वेरियंट है VXI वेरियंट स्विफ्ट का। तो ऐसी कुछ इसकी फ्रंट ग्रिल आती है, क्रोम का लोगो मारुति सुजुकी का। ये इसकी मतलब फॉग लैम्प का इसमें ऑप्शन नहीं है। हेडलाइट फॉग लैम्प के लिए आपको अलग से प्रोविज़न भी लगवाना पड़ेगा, ग्रिल में कोई कटआउट भी नहीं दिया गया फॉग लैम्प के लिए। और फ्रंट से LXI और VXI मॉडल में डिफरेंस बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो हेडलाइट के नीचे इस पे गार्ड लगे हैं, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। ये राइट साइड से इसकी लुक फेंडर की। इसमें आपको 14 इंचज़ के व्हील्स मिलते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं, स्टील रिम्स हैं जिन पर व्हील कैप्स का ऑप्शन देती है कंपनी। और इसमें अपोलो के टायर्स हैं, और जो टायर साइज़ है वो है 165/80R14। ये देखिए 165/80R14। और साइड लुक से बात करें तो इसके ORVM पे ही आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया है। इसमें क्रोम हैंडल्स लगे हैं, ये एक्सेसरी का पार्ट है। देखिए क्रोम भी डल पड़ चुका है, कंपनी से नहीं लगवाया गया था, ये आफ्टर मार्केट काम है। और ये साइड बिटिंग भी इसमें एक्सेसरी लगाई गई है। ये पीछे की टेल लाइट का ऐसा लुक है। इसमें कोई वेरिएंट की बैजिंग नहीं की गई है, स्विफ्ट लिखा हुआ है बस, और सुजुकी का लोगो है। काफ़ी अच्छी टेल लाइट है और LED टेल लाइट है, मतलब कंप्लीट सेटअप तो LED नहीं है, बट DRL LED का बहुत अच्छा लगता है इसमें। और जो इंडिकेटर्स वगैरह है वो LED नहीं है। ये इसका जो रियर व्यू मिरर है, मतलब जो रियर ग्लास है विंडशील्ड का, इसमें ना डिफॉगर ना वाइपर का कोई ऑप्शन है। ये पीछे के इसका क्रोम नहीं हटा है, पर इसका तो काफ़ी डल पड़ गया क्योंकि ये मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना। और ये इसका बूट साइज़ है, 268 लीटर का बूट मिलता है आपको स्विफ्ट में हर वेरिएंट में। और इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिलती है, और काफ़ी अच्छा बूट साइज़ है, डिसेंट आप लगेज इसमें कैरी कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलता है। अब इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं, चलिए कार के अंदर चलते हैं। दोस्तों इंटीरियर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसकी कीज़ दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ इसके साथ की आती है, ऐसी दो रिमोट कीज़ मिलेंगी आपको, क्योंकि इस कार में सेंटर लॉक है तो ऑन लॉक और अनलॉक का फीचर इसी में दिया गया है। यहाँ पे इसके पावर विंडोज़ के स्विच दिए गए हैं, और ड्राइवर साइड में आपको ऑटो विंडो डाउन मिलेगा, अप नहीं मिलेगा। ये पावर विंडोज़ को मतलब जो जैसे बच्चे बैठे हैं उनके लिए ये सेफ्टी फीचर है, आप इसे दबा देंगे तो पावर विंडोज़ काम करना बंद कर देंगी ड्राइवर वाली को छोड़ के। ये कार को लॉक अनलॉक का स्विच दिया गया, और ये जो आपके ORVMs हैं इंटरनली एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल तो नहीं है पर एडजस्टेबल हैं, तो ये भी आपको फीचर दिया गया है। अब इसकी की और इधर दिखा देता हूँ आपको, इधर ये इसका हेडलैम्प लेवलर दिया गया है, यहाँ से आप अपनी लाइट्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है थोड़ा बहुत कॉइन्स वगैरह या सामान रखने के लिए। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, सॉफ्ट पैडिंग टाइप दिया गया है यहाँ पे भी, बाकी ये हार्ड मटेरियल है। और इधर आपको ये डोर पॉकेट दी गई है, इसमें 1 लीटर की बोतल तो नहीं आ सकती, हाफ लीटर की बोतल आ जाएगी, थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे भी है सामान रखने के लिए। बाकी नीचे दिखाऊँ तो ऐसे कुछ आपको इसके पैडल्स मिलेंगे, क्लच फुट रेस्ट नहीं दिख रहा है मेरे को, नहीं है इसमें। और इधर ये इसका राइट साइड वाला सबसे AC वेंट, ऐसा कुछ आपको कंसोल दिखता है इसमें। की लगा देता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं ये कार ऑलमोस्ट 12,000 चलने वाली है। और काफ़ी अच्छी मतलब फीचर्स हैं इसमें MID में। ये देखिए रेंज है कि इतने फ्यूल में कितनी चल सकती है, और ये इसकी एवरेज 15.6 है। अगली वीडियो में हम ओनर से बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस लेंगे कि कैसा रहा इस कार के साथ, 2 साल होने वाले ऑलमोस्ट इस कार को लिए हुए उन्हें। और
ये इसकी ट्रिप है, ए और बी ट्रिप। बाकी काफ़ी अच्छा जो कंसोल है स्विफ्ट में दिया गया है, और ये टू वाइज मीटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो लुक है दो आंखों की तरह लगता है। और जो एलेक्साई मॉडल आता है उसमें काफ़ी बेसिक सा और मतलब बहुत कम फीचर होते हैं उस मीटर में, और काफ़ी लुक में भी वो बेकार लगता है। और ये इसका डी कट स्पोर्ट स्टेयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा लगता है। ये इस पर ये कवर चढ़ाया हुआ है, ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है, और मतलब ये ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये कवर नहीं चढ़ा गया वैसे। हाँ काम चलाओ ठीक है, कवर होना चाहिए स्टेयरिंग पे, ग्रिप अच्छी मिलती है इससे। और ये इसका हॉर्न, इसमें ड्यूअल हॉर्न दिए गए हैं। और ये इसके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं आता। यहाँ से आप मोड भी स्विच कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट वगैरह। और यहाँ से ये आपके कॉलिंग कंट्रोल्स हैं। तो स्टीयरिंग की जो लुक आती है ना कार के कंसोल की, काफ़ी अच्छी है फ्रंट से। अब इधर आते हैं हम, तो यहाँ आपको मिलता है इसका स्टीरियो, काफ़ी अच्छा साउंड है इसके स्टीरियो का। मैं स्टीरियो की साउंड भी ऐड कर दूंगा, आपको सुना दूंगा NCS के म्यूज़िक के साथ। और ये यहाँ पे इसके AC के कंट्रोल और फ्रंट डिफोगर के कंट्रोल, इसमें रियर में कोई डिफोगर या वाइपर नहीं है। और इधर आप देख सकते हैं ये कंट्रोल्स इसके, हेडलाइट इंडिकेटर और वाइपर वगैरह के। यहाँ पे आपको दो AC वेंट्स मिलते हैं मिडल में, और AC की कूलिंग तो स्विफ्ट की बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी कूलिंग है, एक पे गाड़ी चिल्ड कर देती है बिल्कुल। ये लेफ्ट साइड का इसका AC वेंट। और डैशबोर्ड मतलब काफ़ी प्रीमियम है इसका, क्योंकि देखिए ड्यूअल फिनिश में दिया गया है। ये थोड़ा सा शाइनी ग्रे है और ये ब्लैक कलर है। बाकी काफ़ी जो अच्छी लुक है स्टीयरिंग की और जो इसके डैशबोर्ड की, ये इसका लेफ्ट डोर, काफ़ी एरी विंडोज़ हैं इसमें, तो मतलब बाहर के लुक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जो इसकी सीट दी गई हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई हैं, और फ्रंट हेडरेस्ट है जो वो एडजस्टेबल है, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको, और रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। बाकी सीट जो इसकी जो कंफर्ट है ना वो अनमैचेबल है बिल्कुल, क्योंकि सीट में जैसे ही आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप इनके अंदर बिल्कुल मतलब ये आपके लिए बनी हुई है सीट, बिल्कुल कंफर्टेबली आप फिट हो जाते हैं। और जैसे कि मेरी हाइट 5'9" है, तो मेरे को इसमें बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी देखिए मैंने सीट बिल्कुल पीछे की हुई है, तो मतलब इसमें 6'3" 4' 6'2" तक का तो बंदा बिल्कुल आराम से इसको चला सकता है, और काफ़ी कंफर्टेबल कार है। चलिए मैं एक बार आपको इसका म्यूज़िक और सुना देता हूँ। नीचे आपको इसमें USB और आपके ऑक्स के लिए पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पे ये एक चार्जिंग सॉकेट है, एक्सटर्नल चार्जर आप अपना लगा सकते हैं, AC का स्विच। और ये जो इसका IRVM है ये भी डे नाइट एडजस्टेबल है। बाकी जो ग्लव बॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छा है इसका, ज़्यादा तो सामान आप रख नहीं सकते, पर गाड़ी के पेपर वगैरह मतलब कार के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, सामान से ही आ जाता है इसमें। और जो इसके बोतल होल्डर्स हैं इनमें अपना बोतल 1 लीटर वाली तो नहीं भर सकते, पर आधे लीटर वाली आराम से रख सकते हैं। देखिए 1 लीटर वाली बोतल कैसे फंसी हुई है इसमें। ये इसका कंसोल है बीच का, इसमें काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है देख सकते हैं आप। ये इसकी गियर नॉब, पियानो फिनिश में 5+1 रिवर्स गियर है इसमें। ये इसका हैंड ब्रेक, क्रोम टिप दी गई है इसमें भी। चलिए पीछे चलते हैं कार में, पीछे के भी लुक दिखाते हैं। दोस्तों इसमें आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, इसे आप अप डाउन कर सकते हैं। टेलीस्कोप का नहीं है, पर इससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी।
तो रियर सीट से इसकी डैशबोर्ड की लुक ऐसी आती है। ये इसके आप एडजस्टेबल हेडरेस्ट देख रहे हैं फ्रंट सीट्स के। रियर सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया, पार्सल ट्रे मिलती है आपको। और रियर डोर्स की बात करें हम, तो यहाँ पे भी क्रोम फिनिश के साथ डोर हैंडल्स दिए गए हैं ये लॉक अनलॉक के लिए। और ये पावर विंडो स्विच, नीचे स्पीकर ग्रिल है, इसके अंदर स्पीकर है। और ये थोड़ा सा कभी होल है, यहाँ पे आप थोड़ा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे रियर डोर पे कहीं पे भी सॉफ्ट पैडिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये देखिए, मैंने जो फ्रंट सीट है वो बिल्कुल पीछे की हुई है, और आप देख सकते हैं मेरे को इतनी जगह मिल रही है, बिल्कुल आराम से मेरे पैर आए हुए हैं, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। और मेरी हाइट 5'9" है, तो यहाँ पे अगर 5'10" 11" तक का बंदा है तो वो बिल्कुल, अगर फ्रंट सीट बिल्कुल पीछे भी है तो भी उसको कोई बैठने में दिक्कत नहीं होगी, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ सीट पे देखिए बहुत सारा सामान रखा है, मेरा बैग वगैरह, 3 लोग बैठ सकते हैं। बट उनको प्रॉब्लम ये होगी कि जो बीच में ना यहाँ थोड़ा सा हम्प दिया गया, तो हो सकता है तीसरे बंदे को अपने पैर एडजस्ट करने में दिक्कत हो। बाकी यहाँ पे कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं दिया गया, यहाँ पे आप थोड़ा सा सामान वगैरह रख सकते हैं, कोई चार्जिंग सॉकेट वगैरह ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। और 3 आपको ये डोर हैंडल्स दिए गए हैं, इनमें यहाँ पे कोई हुक वगैरह भी नहीं है, 3 हैंडल्स हैं आपको, ड्राइवर साइड नहीं मिलता ये। और ये जो सीट कवर्स हैं ये भी आफ्टर, मतलब एक्सेसरीज का पार्ट है, कोई ये स्टॉक कार के साथ नहीं मिलते हैं आपको। बाकी एक बार लास्ट में हम आपको कार का प्राइसिंग वगैरह अगर बात करें, तो जिस टाइम पे ली गई थी उस टाइम पे अराउंड 6,60,000 की परचेज की गई थी। अब का प्राइस का मेरे को पता नहीं है, अगली वीडियो में हम ओनर का एक्सपीरियंस भी लेंगे इस कार का, तो प्लीज़ वीडियो वो भी देखना और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।